वन्य जीव इंसानों के साथ मिलकर रह सकते हैं और पर्यावरण को एक संतुलित आकार दे सकते हैं। भारत करीब 3000 बाघों के साथ दुनिया की सबसे बड़े और सुरक्षित परिस्थितियों में से एक है और ये संकल्प से सिद्धि का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। अगर हम अपने वन्य जीवों की रक्षा करते हुए उनके संरक्षण पर भी ध्यान दें तो देश का आर्थिक विकास और पर्यावरण का विकास दोनों ही मुमकिन है। इससे देश और सशक्त बनेगा। साल 2014 में भारत में संरक्षित क्षेत्रों की संख्या 692 थी, जो 2019 में बढ़कर अब 860 से ज्यादा हो गई है। साथ ही साथ कम्युनिटी रिजर्व की संख्या भी साल 2014 के 43 से बढ़कर अब 100 से ज्यादा हो गई है। इसके साथ ही जलवायु संरक्षण और पर्यावरण के प्रति संकल्पों की दिशा में बेहतरीन काम करते हुए भारत आज दुनिया के तमाम देशों के बीच फ्रंट रनर के तौर पर उभर कर आया है। उत्सर्जन और स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भी भारत तय समय सीमा से पहले अपने लक्ष्य को हासिल कर रहा है। बाघों के संरक्षण की कोशिशों में और तेजी आनी चाहिए। नमस्कार, समसामयिक विषयों के कार्यक्रम बीच बहस में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस है। बाघ जो जंगल का राजा है, बाघ जो हमारा राष्ट्रीय पशु है, बाघ जो पर्यावरण का हितैषी है, जो पर्यावरण संतुलन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और आज अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस पर भारत के लिए एक खुशखबर आई है कि भारत में बाघों की तादाद पहले के मुकाबले बढ़ गई है। और आज इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है भारतीय वन सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी श्री तेजवीर सिंह जी। सर, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी सर, एक समय था जब वर्ष 2010 की अगर हम बात करें तो खबर आई थी कि भारत में बाघों की आबादी जो है वो करीब 1200 के लगभग बाघ बताए गए थे, और वो अब जब संख्या दुगनी हो गई है तो काफ़ी सुखद बात है। भारत सरकार के काफ़ी प्रयास रहे, कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, भारतवर्ष में जो बाघ परियोजना है ये एक सफल परियोजना रही है। जी, भारतवर्ष में एक समय ऐसा था, इस सेंचुरी के शुरू में करीबन पूरे विश्व में 1 लाख करीब जो है टाइगर थे। जी, और भारतवर्ष में करीबन 40,000 टाइगर थे। लेकिन समय के साथ साथ जो है इनकी संख्या बड़ी तेज़ी से घटी। जी, और 1973 में जब पहली बार 71 में इसके बारे में सोचा गया था, इंदिरा गांधी जी सबसे अच्छी जो हमारी संरक्षक रही है बाघों की और वन की, जी इंदिरा गांधी जी रही, और 71 में इस बारे में सोचा गया था। 73 में टाइगर प्रोजेक्ट स्टार्ट हुई थी, जी पद्मश्री स्वर्गीय कैलाश सागला जी के द्वारा शुरू की गई थी। जी, जिसमें शुरू में 9 क्षेत्र चुने गए थे पूरे भारतवर्ष में। जी, भारतवर्ष में 9 क्षेत्रों में से अपना रणथंभौर में से एक वन क्षेत्र था टाइगर प्रोजेक्ट। जी, तो उसी समय से प्रयास रहे हैं टाइगर के संरक्षण के, और आज जैसा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी ने जो टाइगर सेंसस एस्टिमेशन जो है उसको डिक्लेयर किया है, उसमें करीबन 2967 टाइगर बताए पूरे भारतवर्ष में, जबकि पूरे विश्व में करीबन 3900 टाइगर हैं। सर, जैसा कि अभी आपने बताया कि एक समय था जब भारत में वन्य जीवों की बहुतायत थी और बाघों की संख्या काफ़ी अच्छी थी, तो बीच में अचानक ऐसा क्या हुआ कि एकदम से ये संख्या घटकर बिल्कुल 1000-1200 बाघों तक तादाद सीमित हो गई? देखिए, आज़ादी के बाद क्या हुआ कि पहले जो ये वन क्षेत्र थे, जी ये विभिन्न रियासतों के तहत अंडर थे। जी, और वहाँ पर उनके अपने अपने कायदे कानून थे, रेगुलेशन थे, एक्ट में प्रावधान था। जी, स्वतंत्रता के बाद हालांकि हमारे काफ़ी एक्ट, फॉरेस्ट एक्ट, वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1972 में आया है, काफ़ी इफेक्टिव रहे हैं, लेकिन क्योंकि फॉरेस्ट वन क्षेत्र है एक ओपन ट्रेजरी है, उसमें बिना पूछे भी कोई भी जा सकता था, तो अनरेगुलेटेड जो पोचिंग हुई, शिकार हुई है, उसकी वजह से ये पॉपुलेशन डिक्लाइन हुई है, कम हुई है कोचिंग के साथ साथ, और साथ साथ जो टाइगर का हैबिटाट था उस पर इनक्रोचमेंट हुआ है। जी, हरित क्रांति आई। जी, जमीन तो एक सीमित है हमारे पास में, और कृषि भूमि के लिए जो
जमीन दी गई वो वन क्षेत्र से निकाली गई जी। तो जैसे जैसे वन घटते गए उनका हैबिटेट घटता गया, वैसे वैसे उनकी आबादी भी कम होती, आबादी भी कम होती जी। हालांकि आजकल अखबारों में खबरें आती है कि कई वन्य जीव जैसे कई बार बाघ भी इंसानी आबादी में चले जाते हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बाघ इंसानी आबादी में नहीं आ रही, बल्कि मुझे लगता है कि हम लोग उनके अधिकार क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं। बिल्कुल, तो इसको कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल सही फरमाया आपने, हमने बाघ के घर में प्रवेश किया है। बाघ हमारे घर में तो मजबूरन प्रवेश करता है जी, वो तो भटकता हुआ कभी आ जाता है, बाकी कभी उसी मनसा ये नहीं होती कि मैं वन क्षेत्र को छोड़ के, मेरे क्षेत्र को छोड़ के किसी आबादी में जाऊँ, किसी को नुकसान पहुँचाऊँ। ये तो हमने एनक्रोच किया है, मनुष्य ने अपनी नीड के लिए जी, अपनी आवश्यकता तो सबकी पूरी हो सकती है, लेकिन जो लालच है वो पूरा नहीं हो सकता। हमारा लालच ज़्यादा बढ़ गया, आवश्यकता हमारी पूरी हो सकती है वनों से, लेकिन हमारी जो लालच है वो पूरा नहीं हो सकता। हमारे लालच की वजह से जो टाइगर का हैबिटेट है वो कम हुआ है, और उसी की वजह से जो है टाइगर पॉपुलेशन कम हुई है। जो सरकार ने जो ये सरिस्का बाघ परियोजना शुरू की राज्य सरकार ने, उसके बारे में ये कितने सफल रही, और जो सरिस्का के आसपास के जो आबादी क्षेत्र जो गांव बसे हुए थे उनके पुनर्वास के लिए सरकार ने क्या कुछ कदम उठाए? देखिए, सरिस्का अगर वन क्षेत्र की तरह दृश्य देखा जाए तो सरिस्का की डाइवर्सिटी बहुत, मतलब रिच बायोडाइवर्सिटी है जी। हमारा दुर्भाग्य रहा कि 2004 में जो है वहाँ पर टाइगर समाप्त हो गए, उसका मेन कारण था पोचिंग का जी। अन्य कारण भी थे, लेकिन जैसे कि आबादी उम्र को पा लेती है, बूढ़े टाइगर थे, नई पॉपुलेशन इंक्रीज नहीं हुई, लेकिन मेन जो उसमें था वो था पोचिंग का। 2004 में पाँच में जब टाइगर समाप्त हो गए, उसके बाद में जो राज्य सरकार ने इस पर विचार किया जी। ये मसला तो काफी देश भर में काफी उठा था और केंद्र सरकार ने इस पर संज्ञान लिया था। केंद्र सरकार ने भी संज्ञान लिया था, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी गठित की थी, केंद्र के स्तर पर भी इसमें जांच हुई थी, और अपने राज्य स्तर पर भी एक एम्पावर्ड कमेटी का गठन हुआ था, और उन्होंने अपनी इसमें पूरी गहनता से जाँच की दोनों कमेटियों ने। उसमें जो कारण पाए गए थे, सरकार को रिपोर्ट किए गए जो जो रीजन थे जी, क्यों ऐसे पॉपुलेशन कम हुई, क्या क्या उनको सुधार किया जा सकता है जी, पूरी डिटेल रिपोर्ट है इसकी जी। तो चलिए ठीक है, सरकार ने ये कदम उठाया पुनर्वास के लिए, अच्छा काम किया, जो आसपास के गांव थे उनके लिए कर रही है, लेकिन जो मुख्य बात ये कि बाघ के जो शिकार हो रहा है उसको रोकने के लिए क्या सख्त कानून है हमारे हमारे, और उसकी पालना किस हद तक हो रही है? देखिए, ऐसा है कि जो सेंट्रल एम्पावर्ड जो कमेटी गठित की थी, उन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन दी थी जी, दुर्भाग्य से उनकी पालना ठीक से नहीं हो पाई जी। सरिस्का के साथ साथ एमपी में पन्ना टाइगर रिजर्व में भी टाइगर्स का सफाया हो गया था जी, लेकिन वहाँ की राज्य सरकार ने जो उनकी रिकमेंडेशन थी उनको उन पर विचार किया और उनको अक्षर से पालना, मतलब काफ़ी अच्छी तरह से उन्होंने पालना की। हमारे यहाँ वो पालना नहीं हो पाई। जैसे मैं आपको बताऊँ, कोई भी जानवर है, मुख्य रूप से टाइगर, टाइगर सोलिटरी एनिमल जी, अब उसके रहवास में अगर आप डिस्टर्बेंस पैदा करोगे तो वो चैन से नहीं रह पाएगा। जब कोई भी जीव, उसकी प्रजनन बढ़ती है, उसको एक सेंक्टम सोरियम स्पेस चाहिए, एक शांत वातावरण चाहिए, लेकिन सरिस्का में इतना डिस्टर्बेंस है कि उसकी वजह से आज भी जो है पन्ना में, जबकि पॉपुलेशन रिवाइव हो गई है, जबकि हमारे यहाँ सरिस्का में नहीं हो पाई जी। उसका मेन कारण ये रहा है कि हम वहाँ की जो आबादी गाँव जो थे उनको शिफ्ट नहीं कर पाए, बायोटिक प्रेशर जो है जी, उसको हम कम नहीं कर पाए। जो मवेशियों का डेमोग्राफिक जो प्रेशर था जी, उसको भी हम कम नहीं कर पाए, तो उसके टाइगर के रहवास क्षेत्र में जो डिस्टर्बेंस है वो तो बायोटिक प्रेशर है, पशु मवेशी भी हैं उनका प्रेशर है, तो सारा प्रेशर जो है उसको टाइगर ही नहीं, जो दूसरी ओर टाइगर का भोजन है, एंगुलेट पॉपुलेशन है, उसको भी प्रभावित करता है, उसको शेयर करते हैं, उनका जो चारा होता है उसको शेयर करते हैं। तो ये एक मैनीफोल्ड है, एक तरह नहीं कि सिर्फ डायरेक्ट टाइगर को ही इफेक्ट करते हैं, टाइगर तो क्योंकि फेलेक्स की स्पीसी है, पिरामिड की टॉप पे है जी, वो तो इफेक्टिव होगा ही होगा जी। अगर पिरामिड में आप एक ईंट भी निकाल देंगे, कोई सा भी एक चेन हटा देंगे
तो पिरामिड गिर जाएगा। नीचे की जो पॉपुलेशन है, हर्बीवर पॉपुलेशन जो है, जो टाइगर का खाना है, जैसे एंगुलेट पॉपुलेशन, चीतल है, सामर है, नीलगाय है, जी, उनको अगर आप का रहवास अच्छा नहीं होगा तो पॉपुलेशन जो जीवन चक्र अगर बिगड़ेगा तो सभी प्रभावित होंगे निश्चित रूप से। तो हमारे राज्य में भी बाघ को संरक्षण के लिए काफ़ी प्रयास किए जा रहे हैं। पहले हमारे पास दो अभ्यारण्य थे, सरिस्का था और रणथंभौर था, और अभी मुकुंदरा को भी विकसित किया गया, वहाँ पर शायद अभी 4 टाइगर है। नहीं, बड़े खुशी की बात है कि हमारी राज्य सरकार जो है इसको अब काफ़ी इसको गंभीरता से ले रही है जी, और सरिस्का में भी जितना कर रही है, जैसे रिसोर्सेज हैं जी, राज्य सरकार कर रही है, भारत सरकार भी सहायता दे रही है जी। रणथंभौर भी है, रणथंभौर में से भी जैसे वहाँ से भी 4 गांव शिफ्ट हुए हैं, सरिस्का में भी अब कुछ गांव शिफ्ट होना शुरू हुए हैं, और आशा है कि ये जो गांव जैसे शिफ्ट होंगे तो जो वैली है जहाँ गाँव वाले रहते हैं, जो प्राइम एरियाज हैं, वो खाली होंगे, तो उसमें एंगुलेट की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी और टाइगर की पॉपुलेशन भी बढ़ेगी। और इसके साथ ही जो एक जो टाइगर को सोचना ये है कि भाई एक जगह नहीं होके पूरे जहाँ अपने पहले पूर्व में रहे हैं टाइगर, मुझे भी याद है ये टीज में दरा में जो मुकुंदरा हिल अपना टाइगर रिजर्व घोषित किया वहाँ पे टाइगर थे जी, लेकिन वहाँ भी क्या कि बायोटिक प्रेशर की वजह से वहाँ पे भी टाइगर एक तरह से एलिमिनेट हो गए। तो राज्य सरकार ने मुकुंदरा टाइगर हिल्स को भी जो एक टाइगर प्रोजेक्ट में लिया है, तो कुल मिला के हमारे 3 टाइगर रिजर्व हैं इस समय राजस्थान राज्य में, सरिस्का, रणथंभौर और मुकुंदरा जी। ये आमतौर पे कहा जाता है कि वन्य जीव है जो अपने हैबिटेट में रहना पसंद करते हैं, लेकिन अभी कई बार खबरें आती है कि बाघ अपना एरिया छोड़ के काफ़ी दूर तक निकल जाता है, और अभी एक बाघ का काफ़ी चर्चा था कि वो लंबे समय तक करीब 1.5-2 महीने तक काफ़ी अपने वन्य क्षेत्र से बाहर था और वन्य जीव विभाग के भी निगरानी में नहीं था उस समय। ये आपका सही है कि जो और पॉपुलेशन है, जो जैसे रणथंभौर से कई टाइगर अपना क्या होता है, टाइगर एनिमल है जी, जैसे पॉपुलेशन बढ़ी, अब सीमित एरिया है रणथंभौर का, तो जैसे जैसे वहाँ पे माहौल अच्छा है, गांव सभी शिफ्ट हो गए हैं, टाइगर पॉपुलेशन रणथंभौर में अच्छी बढ़ रही है, तो वहाँ से टेरिटरी जब फॉर्म करता है एक टाइगर, जो कमज़ोर टाइगर है उसको जो शक्तिशाली टाइगर बाहर निकाल देता है जी, तो अपनी टेरिटरी बनाने के लिए टाइगर बाहर चल जाता है, जैसे रणथंभौर के आसपास में जो बूंदी का रामगढ़ विसारी एरिया है उसमें गया एक टाइगर, सुल्तानपुर एरिया में घूमता। टाइगर जो T16 जो टाइगर था वो करीब 6 T6 टाइगर, वो 250 किलोमीटर चक्कर काट के वापस अपने क्षेत्र में आया था जी। तो ये टेरिटरी की फॉर्मेशन के चक्कर में और कभी कभी फूड के तलाश में भी अपना एरिया जो है थोड़ा विचरित करके वापस आ जाते हैं। तो आप पर्यटन को कितना जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि जब पर्यटकों की आवाजाही बढ़ती है उससे भी जंगली जानवर काफ़ी परेशान होते हैं, डिस्टर्ब। देखिए, एक सीमित अगर दायरे में पर्यटन है तो वो बिल्कुल सही है, लेकिन और जो हो जाता है किसी अति जब हो जाती है तब वो अच्छा नहीं था। अब मैं आपको उदाहरण दूँ, अगर मैं आपके यहाँ फ्रिक्वेंटली बेरोटों को आने लगूँ तो मेरे को गाड़ी रोकेगा, साहब आप क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं जी, मैं अननेसरी यहाँ को डिस्टर्ब करूँगा, जरूरत से ज़्यादा दखल बढ़ जाता है, जरूरत दखल दूंगा जी। इसी तरह वाइल्ड एनिमल, टाइगर तो अपना टेरिटोरियल एनिमल है, बड़ा शाही एनिमल है, अगर आप उसको बार बार छेड़ेंगे, उसकी भी दिनचर्या है, सुबह उसका भी उठता है, उसका भी नाश्ता है, उसका भी दोपहर खाना भी है, उसको भी अपनी आवश्यकता दिनचर्या पूरी करनी होती है। अब उस दिनचर्या में अगर हम उसको छेड़ेंगे, तंग करेंगे, बैठा है कोई, आराम कर रहा है, सो रहा है, अब उसमें जाकर हम उसको गाड़ी खड़ी कर दें उसके पास में, तो डिस्टर्ब तो होता ही है, वो भी जीव है, उसकी अपनी दिनचर्या है। चूँकि मुख्य आकर्षण बाघ देखना ही होता है पर्यटकों का, तो काफ़ी अंदर तक कई बार ले जाते हैं गाड़ियाँ, और ये ठीक है, आज जो टूरिस्ट आता है उसकी मेंटेलिटी यही सोच ही होती है कि मैं टाइगर देखूं, लेकिन ऐसा नहीं है, जंगल में टाइगर ये ऐसी चीज़ें जो देखने की चीज़ है, टाइगर के अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये क्या कि हम लोगों को समझाते भी हैं कि भाई इस जंगल में सिर्फ टाइगर ही ऐसी चीज़ें जो देखने की चीज़ है, इसमें बहुत कुछ चीज़ देखने की चीज़ें हैं टाइगर के अलावा, नीचे और एंगुलेट पॉपुलेशन है, चीतल है, सांभर है, नीलगाय हैं, पेड़ पौधे हैं, घास हैं, चिड़िया बर्ड्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। टाइगर तो ऐसा जानवर है सब चीज़ों को साथ लेकर चलता है, उसके दोस्तों को भी साथ लेकर चलता है और दुश्मनों को भी साथ लेकर चलता है जी। आपको अगर आप कभी गए हैं, आपने देखा हो जिस क्षेत्र में टाइगर घूमता है उसमें अगर ऊपर पेड़ पर चिड़िया बैठी है वो अपना अलग अलग आराम खोल देगी, लंगूर बैठा हो
अलग अलार्म कॉल देगा, नीचे चीतल है सामने वो अपनी अलग अलार्म कॉल देंगे, वो एक दूसरे की संकेत होता है, वो पहले से पता लग जाता है जी। उससे क्या होता है कि पूरा जो जंगल है वो रेगुलेट होता है। अननेसरी आपने देखा हो बाघ कभी किसी को जानवर नहीं मारता, परेशान नहीं करता, मारता नहीं जी, परेशान भी नहीं करता। अगर टाइगर, हमने ऐसे इंसिडेंट देखे हैं हमारे सामने ही, आंखों के सामने टाइगर जा रहा है, नीचे चीतल सामर खड़े हैं, एक दो अलार्म कॉल देंगे, खड़े शांत खड़े, उन्हें मालूम है कि टाइगर को आवश्यकता नहीं, खाए पिए, भूख होने पर ही वो शिकार करता, भूख होने पर ही शिकार करता है, आवश्यकता होने पर, कभी होर्डिंग नहीं करेगा। हमारे जैसे हम करते हैं, आदमी जो होर्डिंग करता है अनाज की, लालच की प्रवृत्ति मनुष्य नहीं, नहीं बिल्कुल नहीं है, वो अपने जो है आवश्यकता होने पर ही शिकार करता है जी। तो सर ये क्या खास बात है कि बाघ को ज़्यादा शिकार बनाया जाता है, क्या इसकी खाल और जो नाखून है इनकी विदेशों में काफ़ी मांग है? देखिए हाँ, इसकी यही हमारा दुर्भाग्य है कि जो विदेशों में है इसकी खाल की और इसके नाखून की, अब तो हर इसके अंग की, हड्डियों की, सभी की डिमांड इतनी हो गई है। और जैसे चाइना में ये एक तरह से वहाँ पे खानदानी जैसे दवा खाना टाइप बोलते हैं, वहाँ के लोग जो है इसकी हड्डियों से दवाई बनाते हैं, लेकिन जो वो दवाई बनाते हैं वो ऐसा नहीं है कि वो टाइगर की उससे बनती है, उसको इन्होंने एथलेटिक वैल्यू के लिए बता दिया, गेंडे की जैसे सींग है, इसकी जो वो है बोन्स है उनका सूप के लिए बता दिया। ये ऐसा नहीं है कि टाइगर की उसमें होता है, लेकिन ये तो यह है कि भाई कि जंगली जानवर है, जंगल का है साहब, इसलिए मार से ये विदेशों की वजह से ही हमारे यहाँ ज़्यादा पॉपुलेशन हुई है, और क्योंकि वहाँ पे अच्छी कीमतें मिलती हैं, जो या जो लोकल बावरी वगैरह शिकार करते हैं उनको इतने पैसे नहीं मिलते, जो मीडिएटर हैं वो पैसे ज़्यादा कमाते हैं, उनको लालच में देके इनके ये गलत काम कराते हैं। तो जंगली जानवरों को बचाने के लिए जो कानून बनाया गया है सरकार की तरफ से, वो कितने कारगर सिद्ध हुए जब से वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना है, उसके बाद में इसके शिकार में कितनी कमी आई है? देखिए शिकार में काफ़ी कमी आई है, कानून अपनी तरह बिल्कुल अगर उसकी पालना की जाए, सख्ती से पालना की जाए, उसमें सब प्रावधान है, छोटे मोटे प्रावधान अपन उसमें सुधार कर सकते हैं, लेकिन कानून के हिसाब से कानून तो काफ़ी है, लेकिन ये है कि हमारे पास इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए फोर्स चाहिए, फोर्स हमारे पास नहीं है। आपको मैं उदाहरण दूँ, जैसे जो जंगल में जो फॉरेस्ट गार्ड है, वन रक्षक है, फील्ड स्टाफ है, उसकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है, 24 घंटे जंगल में रहता है, अगर आपने देखा हो उतनी हार्ड ड्यूटी है उसकी, कि वो उसकी भी एक फिजिकल स्ट्रेंथ है, सुबह उठता है, उठते ही उसको ट्रैकिंग पे जाना पड़ता है, ट्रैकिंग अपना अपना सबका बीट बटी हुई है, उस बीट में पूरी घूम के देखता है किस टाइगर का मूवमेंट किधर है, किस जानवर में किधर है, कोई पेड़ तो नहीं कटा, कहीं आग तो नहीं लगी, सुबह उठते जाएगा, चाय अगर मिल गई, क्योंकि इंटीरियर में पोस्टिंग होती है, वहाँ दूध की भी उपलब्धता नहीं होती है, पानी भी उनको जो है कभी कभी तो जो जो जंगली जानवर शेयर करते हैं उन्हीं से शेयर करना, तालाब में से ही लेना पड़ता है। तो जो वहाँ स्टाफ जो जिसकी पोस्टिंग है वो इतनी हार्ड कंडीशन में सुबह उठेगा, वापस आएगा, रोटी बनाएगा, बीच में कोई कहीं से खबर आ गई कि साहब वहाँ शिकार हो गया या जंगल कटान हो गया, मवेशी चल रही है या आग लगी, तुरंत भागेगा, इतनी स्टाफ भी नहीं होती, एक चौकी में 2-3 स्टाफ होते हैं, वापस आएगा दोपहर तक, तब तक खाना वाना खाएगा, फिर कोई ना कोई आ जाएगा, टूरिस्ट जोन में जो आदमी है उसको टूरिस्ट भी रेगुलेट करने पड़ते हैं। तो जो गार्ड है, एक तो फोर्स बहुत कम है हमारे पास, तो इसके लिए प्रोटेक्शन फोर्स अलग से होनी चाहिए। अब पुलिस में आप देखते हैं 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 8 घंटे बाद वो कहता है रोजनामचा में कि साहब मेरी ड्यूटी ख़त्म, वेयर जो फॉरेस्ट गार्ड है उसकी 24 घंटे ड्यूटी रहती है, रात दिन रहता है। उसके अलावा और आप देखिए फाइनेंशियली भी वो इतना वीक है, इतनी तनख्वाह तो उसको मिलती नहीं, लोएस्ट ग्रेड का आदमी है, गार्ड कैटल गार्ड, जबकि उसके पास कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। नहीं, आप और सोचिए, उसके 3 घर होते हैं, एक तो जहाँ ड्यूटी दे रहा है वहाँ, एक अगर कोई जो पैदाइशी गांव है जहाँ उसके बीवी बच्चे रहते हैं, माँ बाप रहते हैं जी, और अगर कोई तकदीर वाला है जिसके बच्चे पढ़ते हैं, तो 3 घर हो जाते हैं उसके, 3 इस्टेब्लिशमेंट हैं उसके, उनके लिए अलग अलग खर्चा करना, जिम्मेदारी के बीच वो इतनी कठिन। अच्छा, फिर उसके बाद इतने साधन भी नहीं है, पैदल रहता है, खाने पीने में आप अपन तो एक सब्जी दाल रोटी सब अच्छे खाना पसंद करते हैं, उसको टाइम से सब्जी भी मिल गई तो उसका नसीब अच्छा है, नहीं तो मिर्च मसाले से रोटी खाता है जी। आपने ये संख्या बल वाला बहुत अच्छा मुद्दा उठाया, और
आपने जो बताया कि किन विकट परिस्थितियों में उनको अपनी ड्यूटी निभानी पड़ती है, वाकई सोचने की बात है, सरकारों को इस दिशा में काफ़ी काम करने की आवश्यकता है। अभी जो बजट 2019-20 का राज्य सरकार का बजट आया है और केंद्र सरकार का भी, तो उसमें वन्य जीवों के लिए क्या कुछ व्यवस्था हुई है? कुछ व्यवस्था तो उसमें रखी गई है, कि आंकड़े तो मेरे पास उपलब्ध नहीं है अभी, लेकिन उन्होंने इसमें रखा है वन्य जीव प्रभाग के लिए, नई भर्ती के लिए। हाँ, कुछ नई भर्ती में के मैं नहीं कह सकता, लेकिन नई भर्ती का प्रावधान है डिपार्टमेंट के पास में। उसके अलावा जो ये सरिस्का, रणथम्बोर, इनमें प्रोटेक्शन फोर्स का भी प्रोविजन है। जैसे दूसरी स्टेट्स है, MP है, कर्नाटका है, वहाँ पर वन विभाग के अलावा प्रोटेक्शन फोर्स अलग से है, CRPF की या पुलिस फोर्स वहाँ पर अलग से डेपूट की हुई है, क्योंकि आज की तारीख में जो शिकारी है वो इतना शातिर हो चुका है, उसके पास ऐसे ऐसे हथियार हैं जो वन विभाग के पास नहीं है। तो उसको कम्बैक्ट करने के लिए, उसका सामना करने के लिए हमारे पास जो है सशस्त्र पुलिस होनी चाहिए, और साथ में जो हमारा वन विभाग के जो कर्मचारी हैं उनके पास भी आर्म्स का प्रोविजन होना चाहिए, और उनको आर्म्स को चलाने की उनको परमिशन होनी चाहिए। जी सर, तो अच्छे हथियारों की अनुपलब्धता और संख्या बल में कमी, ये जो दो मुख्य कारण है जिनके दो मुख्य कारण तो यही है, संख्या घटी जो दिखते हैं घटी है, उसका कारण ये भी है। दूसरे जो अपने आसपास के जो गांव हैं और जो अंदर गांव रह रहे, चलो ठीक है हम मतलब रातों रात गांवों को नहीं निकाल सकते, उनमें टाइम लगेगा, एक टाइम फेज है, चरणबद्ध तरीके से उनका पुनर्वास हो, पुनर्वास उनका। और हम ये भी नहीं चाहते कि उनका पुनर्वास ऐसा हो कि उनको निकाल के बाहर कहीं जाओ तुम तो यहाँ से, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो सदियों से वहाँ रहते आए हैं, उनका लगाव है उस क्षेत्र से। तो उनको हम जो है ऐसे प्रावधान दे के बाहर मतलब चरणबद्ध तरीके से उनको एस्टेब्लिश करें, ताकि वो उनका भी आजीविका अच्छी तरह चल जाए, क्योंकि जो अंदर जो आदमी रह रहा है उसकी भी प्रॉब्लम है, ऐसी नहीं वो सूखी रह रहा है वहाँ पे। जो आदमी अंदर रह रहा है, देखिए अगर खेती कर रहा है तो उसकी खेती को जंगली जानवर, उनको भी खतरा रहता है, उनके मवेशियों को भी खतरा रहता है, टाइगर है जी, पैथर है, उनके जो मवेशी उनको उठाता है जी, एक एजुकेशन बिल्कुल नहीं उनकी वहाँ। कोई चलते चलते आपसे आखिरी सवाल पूछना चाह रहा था कि बाघ को आप पर्यावरण संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका है बाघ की, आप उसको कैसे देखते हैं, किस तरह से ये अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? देखिए पर्सनली समझे तो मैं तो बाघ को मेरे जीवन से ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि कई बार जो है मेरा बाघ से आमना सामना भी हुआ है, और पैंथर से तो मेरा हाथ भी चबा दिया था उसको रेस्क्यू कराते टाइम। मैं बाघ को जो है बहुत तहे दिल से मानता हूँ कि ये ऐसा जानवर है जिस जो एक जंगल का, एक पर्यावरण का एक इंडिकेशन है। अगर किसी क्षेत्र में बाघ है तो उस क्षेत्र का पर्यावरण बिल्कुल सुरक्षित है, उस क्षेत्र का वनस्पति भी सुरक्षित है, उस क्षेत्र का पानी भी सुरक्षित है। आप देखिए, आप जो अपन आज बात करते हैं जल संरक्षण की, हमारी जितने भी जल स्रोत स्टार्ट हुए हैं वो सब पहाड़ों से, हिल से स्टार्ट हुए हैं जी। अगर हमारी हिल्स, हमारी पहाड़ सुरक्षित हैं तो उनमें से आने वाला पानी जो है निर्मल पानी आएगा, शुद्ध पानी आएगा, स्वच्छ पानी आएगा। तो ये सभी कड़ियाँ हैं जो जीवन चक्र में एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो और जैसा कि आपने कहा कि अगर बाघ है तो तभी पर्यावरण सुरक्षित है। बिल्कुल बिल्कुल सर, आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने इतनी ज्ञानवर्धक बातें हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आज के अंक में आज बस इतना ही, अगले हफ्ते इसी समय इसी वक्त आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार। धन्यवाद।